गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। ये छापेमारी गुरुग्राम के पॉश इलाके साउथ डी और आसपास के इलाकों में मेडिकल स्टोर पर की गई। ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारी अमनदीप चौहान को सूचना मिली कि इस इलाके में भारी संख्या में मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इनको ज्यादा दामों में बेचने की प्लानिंग चल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि इनकी ब्लैक मार्केटिंग होनी थी, लेकिन इसकी सूचना पहले ही ड्रग कंट्रोल विभाग को मिल गई। ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमारी कर सारे जखीरे को अपने कब्जे में ले लिया और इन पर उचित कार्यवाही की जा रही है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने गुरुग्राम के सभी मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी कर दिया है। ओरिजिनल रेट में मास्क और एमआरपी से 10-20% सस्ता सैनिटाइजर जनता को बेचना है, अन्यथा शिकायत मिलने पर मेडिकल स्टोर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इनका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। फिलहाल जो जखीरा ड्रग कंट्रोल विभाग ने जब्त किया है, उनको सभी मेडिकल स्टोर पर पर्याप्त मात्रा में भिजवाने की प्लानिंग जारी है, ताकि हर व्यक्ति जो मास्क सैनिटाइजर खरीदना चाहता है उन तक वो पहुंच सके। हमें कल से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि शहर में सैनिटाइजर और जो फ्री फेस मास्क है उनकी कमी हो रही है और केमिस्टों के पास मास्क अवेलेबल नहीं है आम जनता के लिए। इस बारे में हमने अपनी सूचना इकट्ठी करी कि कहां कहां पे किस किस ने माल को होल्ड कर रखा हुआ है। हमने कल तकरीबन करीब 3000 सैनिटाइजर्स जो हैं जो होल्ड करके रखे हुए थे वो मार्केट में डिस्पर्स कराए हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं आज मार्केट में जो सैनिटाइजर है वो एमआरपी से कम रेटों के ऊपर उपलब्ध हो रहा है। आज हमने मास्क के ऊपर छापेमारी करी है और तकरीबन अभी तक हम 3 लाख के आसपास मास्क पकड़ने में कामयाब हुए हैं। ये 3 लाख मास्क भी गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों में रिटेलर्स के पास भेज दिए जाएंगे, जहां से आम जनता को मुहैया ठीक रेट के ऊपर होगा। जो ब्लैक मार्केट है, काला बाजारी है, वो सहन नहीं होगी और उसी को बंद करने के लिए सरकार के अथक प्रयास जारी हैं। लेकिन आपके माध्यम से एक गुजारिश, हम लोगों से भी ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो मास्क है, ये जो खांसी जुकाम करने वाले लोग हैं उन्हीं को लगाना है। हर आदमी को लगाना अनिवार्य नहीं है, इससे कोरोना वायरस के लिए रोकथाम के अंदर कोई प्रयास नहीं हो पाएगा। तो जो जिनको जरूरी है वही मास्क को प्रयोग करें और सरकार आप लोगों के पास तत्पर, आपके सेवा में है। किसी भी मास्क की कोई भी कमी गुड़गांव जिले के अंदर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।